अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक और 5.1 तक के जितने भी लिंक्स हैं उन सब की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आपको विजिट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बायो और केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, एक्स की पावर 4 प्लस 64, ठीक है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन एक्स की पावर 4 प्लस 64, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यू ऑलरेडी फेमिलियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसके इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करना है, इस फार्मूले की फॉर्म बनानी है, ठीक है। दो टर्म सिर्फ हमें गिवन है, हमने तीसरी टर्म कहीं ना कहीं से लेके आनी है, तो इसको एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि ए का स्क्वायर भी मिल गया, बी का स्क्वायर भी मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab चाहिए, तो 2 into a हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास क्या है, 8 है, 8, ये देखें 2ab, तो जिसको इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए इस को हमने ऐड भी करना होगा और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, जाहिर बात है अगर हम ऐड ही करते हैं तो फिर उस एक्सप्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, 2ab को ऐड भी कर लिया और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, यहाँ पे a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह हमारे पास 8 है, ठीक है, इसको ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये काम करना होता है जस्ट इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 8 2 16 x square माइनस 8 2 16 x square माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, एडिंग एड एंड सब्ट्रैक्ट 16 x square, 16 x square को ऐड भी कर लिया और 16 x square को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन में काम था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x square, मीन ये जो हमारे पास माइनस वाली टर्म है माइनस 16x square है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम इस तरह लिखते हैं जी, यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बन गया, यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ तक फार्मूला बन गया, जिसको हम क्लोज करेंगे, क्लोज जब करते हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी की जगह हमारे पास 8 है, तो इसका स्क्वायर माइनस ये जो 4x square है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट, एक हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सारे का सारा ए है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 ये ए है और 4x हमारे पास बी की जगह पे है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस बी प्लस 4x और ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 8 ये ए की जगह माइनस 4x ये b की जगह हमारे पास आ जाएगा, प्लस b इंटू ए माइनस बी, तो इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो x वाली टर्म को पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 को बाद में लिखते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, 4x की पावर 4 प्लस 81, बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह पहला क्वेश्चन हमने किया था, ये भी उसी तरह है, 4x की पावर 4 प्लस 81, ठीक है। तो 4x को ब्रेक करते हैं, x की पावर 4 को ब्रेक करते हैं, तो 2x square का स्केयर, मतलब अगर 2 का स्केयर लें तो 4 ही आता है, x का स्केयर लें तो फिर भी 4 आता है। अब यहाँ पे अगर 81 है तो 81 को हम 9 का स्केयर लिख सकते हैं, मीन के ए स्केयर भी हमें मिल गया, बी स्केयर भी मिल गया। अब हमें देखें क्वेश्चन ईजी हो जाता है यहाँ से, ए स्केयर जब बी स्केयर भी मिल जाए तो हमें क्या चीज़ ऐड करनी होती है, 2ab, मतलब जो क्वेश्चन के फार्मूला में हम ऐड करते हैं तो 2ab उसको ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, 2 ये है हमारे पास 2 ये फार्मूले वाला और इंटू ए बी ये एक्स स्केयर, 2x square ये हमारे पास a की जगह पे और b हमारे पास क्या है 9 है, क्योंकि 81 का अगर 9 का स्केयर लें तो 81 आता है, तो b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस जिसको ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस इसको ऐड भी किया 2x square इंटू 9 और इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस 2 इंटू 2x square इंटू 9, एडिंग
एंड सब्ट्रैक्टिंग 36x2। इस सारे को अगर मल्टीप्लाई करें तो 36x2 आता है। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 टू ज़ार 18, 18 टू ज़ार 36। इसको मैंने ऐड भी कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें 36x2 को ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप तो इसके बाद सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ तक याद रखिएगा कि प्लस वाली टर्म को आपने फार्मूले में लिखना है, माइनस वाले को अलग कर लेना है, क्योंकि माइनस वाली जो टर्म होगी उसको हम उस पर हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ तक फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ तक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये 9 टू ज़ार 18 18 टू ज़ार 36 36 x² आ जाएगा हमारे पास। तो 2x² प्लस 9 एज इट इज़ माइनस 6x² 36 को अगर इस तरह लिखें तो 6x² हम लिख सकते हैं इसको। तो इस पर ये फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी इंटू a माइनस बी करके तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह हो जाएगा स्टूडेंट के a 2x² प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 6x². अब इस पे फार्मूला लगाते हैं, ये सारे का सारा a है, 2a² प्लस 9 a प्लस बी 2x² प्लस 9 प्लस 6x, और ये a की जगह 2x² प्लस 9 एज इट इज़ माइनस 6x। एक में प्लस लिख देंगे प्लस 6x और दूसरे में माइनस 6x लिख देंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x² प्लस 6x को पहले लिख लेते हैं और 9 को बाद में लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे 2x² माइनस 6x को पहले लिख लेते हैं और प्लस 9 को बाद में लिख लेते हैं। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, a की पावर 4 प्लस a² b² प्लस b की पावर 4, ये क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, a की पावर 4 प्लस a² b² प्लस b की पावर 4। तो a की पावर 4 प्लस a² b², अब क्या करना है देखें, ये तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, a² का स्क्वायर और b² का स्क्वायर भी हमारे पास बन जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए, 2ab। तो ये a² b², इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा, ये तो इसी तरह नीचे आ जाएगा और इसको हम ऐड भी करेंगे, इसी को सेकेंड टर्म जो है इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। जो ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड होके 2a² b² बन जाएगा और जो सब्ट्रैक्ट वाला है उसी तरह नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको a² b² को ऐड भी किया है मैंने और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, प्लस b² एज b की पावर 4 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे a की पावर 4 को हम a² का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस a² b² प्लस a² b², दोनों टर्म सेम है, उनकी पावर्स भी सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2 टाइम हो जाएगा a² b, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 2 टाइम a² b², इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड किया है, माइनस a² b² एज इट इज़, और प्लस b की पावर 4 है, तो b² का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो रीज़न क्या है, ऐड क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंने किया, a² और b² को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं स्टूडेंट्स के a² का स्क्वायर प्लस 2a² b² प्लस b की पावर b² का स्क्वायर, मीन a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा, माइनस ये माइनस वाली जो टर्म है a² b² इसको आइसोलेट करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ तक फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, मीन के a² प्लस b², क्योंकि हमारे पास a की जगह यहाँ पे a² और b की जगह हमारे पास b² है, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ab, अगर इस a पे भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है तो इसको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ab होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को मैंने होल पे उठा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यू ऑलरेडी फेमिलियर हैं इससे भी आप। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी, a की जगह हमारे पास ये फार्मूला ये है, a टर्म है, a² प्लस b², ये सारे का सारा a है, a प्लस b की जगह क्या है, ab है, तो a ये सारे का सारा प्लस ab इंटू a, a की जगह हमारे पास क्या है a² प्लस b², a² प्लस b² माइनस ab एज इट इज़, आपको लिखना आता है इस तरह, पहले भी आप करते रहे हैं, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो a² प्लस ab प्लस b² इस तरह भी लिख सकते हैं, ab को ab वाली टर्म को पहले लिखते हैं या बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 एज इट इज़,
तो एक्स की पावर फोर को हम ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस, अब एक्स स्क्वेयर को मैंने क्या किया, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये देखें, एक्स स्क्वेयर को मैंने ऐड भी किया है यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है दोनों जगह पे, और ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, और इस एक्स स्क्वेयर को मैंने ऐड भी कर लिया और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और ये वन का स्क्वेयर अगर लिखें तो वन ही होता है, ये वन का स्क्वेयर वन ही आएगा। तो क्या चीज़ ऐड की है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, टू टाइम ऑफ एक्स स्क्वेयर, इन दोनों एक्स स्क्वेयर को अगर ऐड करें तो टू टाइम ऑफ एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें यहाँ तक फार्मूला बनता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ए हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और बी हमारे पास वन है, तो टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वेयर ही आएगा। तो यहाँ तक मैंने इसको सेपरेट करके फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर एज इट इज़। अब अगेन उसी इस पर वही फार्मूला लगाएंगे, ए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी, ए हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन है, ए प्लस बी, बी की जगह हमारे पास एक्स है, इंटू ए माइनस बी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस वन ये यहाँ तक ए और माइनस एक्स, यहाँ पे ये माइनस हमारे पास क्या है बी है। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स वाली टर्म को पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, उसको भी सॉल्व किया है मैंने, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव इस तरह से है, एक्स की पावर एट प्लस एक्स की पावर फोर प्लस वन, तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, एक्स की पावर एट प्लस एक्स की पावर फोर प्लस वन, इसमें भी हमने इस तरह करना है कि एक्स की पावर एट है तो इसको अगर हम इस तरह करें स्क्वेयर की फॉर्म में लेके आए तो फोर टू ज़ार एट, एक्स की पावर मीन ए स्क्वेयर, तो फोर टू ज़ार एट क्योंकि एक्स की पावर टोटल एट है, तो फोर टू ज़ार एट हम इसको फोर की पावर टू लिखेंगे प्लस एक्स की पावर फोर एड एज इट इज़, और एक्स की पावर फोर को मैंने ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है कंप्लीटिंग स्क्वेयर के लिए। ठीक है, एक्स की पावर फोर को एक मैंने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, प्लस वन का स्क्वेयर लिखें तो वन ही आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर को मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है, तो अब यहाँ पे ए स्क्वेयर मीन फोर की पावर टू और प्लस एक्स एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर फोर, इसका कोफिशेंट वन है, इसका कोफिशेंट वन है, तो टू टाइम ऑफ टू टाइम ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस वन का स्क्वेयर एज इट इज़, और माइनस एक्स की पावर फोर ये वाला माइनस एक्स की पावर फोर ये आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बनता है यहाँ तक। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ए हमारे पास एक्स की पावर फोर है और बी की बी हमारे पास वन है, तो यहाँ पे इसको हम इस फार्मूले की फॉर्म में यहाँ तक फार्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस एक्स की पावर फोर को हम एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं क्योंकि ये ए स्क्वेयर बन जाएगा और ये बी स्क्वेयर बन जाएगा, इस पर हम फार्मूला लगाएंगे तो आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक्स की पावर फोर प्लस वन प्लस वन एक्स का स्क्वेयर, अब देखें ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए हमारे पास एक्स की पावर फोर प्लस वन है प्लस बी, बी हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लिया, यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब इस पे स्टूडेंट आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज़, और एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब ये जो है स्टूडेंट, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है और ये नहीं हो सकता, इसकी रीज़न क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, इस पे अगेन लगाते हैं एड सब्ट्रैक्ट करके कंप्लीट स्क्वेयर बनाते हैं इसको, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को मैंने ऐड भी किया यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट भी किया और प्लस वन उसी तरह और ये एक्स स्क्वेयर भी उसी तरह। अब ये देखें एक्स की पावर फोर है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस टू टाइम, इन दोनों एक्स स्क्वेयर को मैंने ऐड कर लिया, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर टू टाइम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वेयर ये आ जाएगा, ये एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज़। और इसके बाद यहाँ पे इस पे फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी, यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर ये आ जाएगा, और ये एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन ये एज इट इज़। और यहाँ पे
इस पे फार्मूले लगाते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वन, एक्स स्क्र प्लस वन प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वन, ये ए और ये माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्र प्लस वन। इस पे कंप्लीटिंग स्क्र अगेन इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। आप चेक कर सकते हैं, मैंने चेक की, अप्लाई नहीं हो सकता था, इस पे अप्लाई हो सकता है, जो मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर, इसके 5 क्वेश्चन रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, इसका सेकंड पार्ट, तो वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमेशा के लिए वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।